Hello, dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and I'll be teaching you part 8. Let's click a trending way to learn computer. So this is a computer book and children, today we are going to start with the very first chapter, that is Introduction to Networking. So let's see what's in this chapter. So children, the computers is a network that communicate with each other as well as work independently. Let us learn about computer networks in class in detail. So a computer is a network of networks. Means different types of networks are used to in a computer. So in this chapter, children, we are going to learn about the advantages of computer networking, components of a network, types of computer networks, network architecture, transmission media, network topologies, and network security. A computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for a purpose of sharing data and hardware resources. So computer network kya hai? Ye ek network hai which is of a group of computers and other peripheral devices. Means computer to hai but uske saath other devices bhi hai that are linked together, jinhe aapas mein link kiya jata hai for the purpose of sharing data and hardware resources. डेटा और हार्डवेयर रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज किया जाता है उनके बीच में जो नेटवर्क यूज होता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंट. सो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में बहुत ही आराम से वर्क कर सकता है. ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड. सो कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क में ईच कंप्यूटर जो भी यूज होता है एक नेटवर्क में उसे हम नोड कहते हैं. द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स. सो जो भी कंप्यूटर हैं किसी भी नेटवर्क में वो क्या होते हैं, वो लिंक हो जाते हैं थ्रू केबल्स. केबल से लिंक हो जाते हैं, टेलीफोन लाइन से लिंक हो जाते हैं, रेडियो वेव से या फिर इंफ्रारेड लाइट बीम्स. सो पहले इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कनेक्ट द नेटवर्क बट अब आजकल हम वाईफाई से भी कनेक्ट कर लेते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं विदाउट वायरलेस कनेक्शन. नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्या क्या एडवांटेजेस है. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. पीपल यूज नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by exchanging messages and information. So people, लोग जो है क्या करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए they use this network. So network helps in communication. Computer connected to each other allow information to get transferred easily and quickly. So जो भी computer use करते हैं आपस में connected रहते हैं, इससे हम क्या करते हैं easily जो है जो भी communication रहती है वो easily और quickly हम दूसरी कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं. शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना भी एक एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्किंग. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल यूजर्स टू शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज. सो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो यूजर्स को हेल्प करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज मीन्स जो हार्डवेयर डिवाइसेज है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको शेयर करना. लाइक स्कैनर, printer, etc. You may have noticed that your computer lab has more number of computers as compared to printers. So आपने notice किया होगा कि आपके computer lab में printers कम हैं but computers ज्यादा हैं. This is because they are network and share the printer. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक printer लगाते हैं और जितने भी computers हैं वो सब उस printer को share कर रहे हैं, उस hardware को share कर रहे हैं. सो मैं किसी भी कंप्यूटर पे बैठू, चाहे वन पे बैठू चाहे फिफ्थ पे बैठू,
मैं वहां से अगर प्रिंट का कमांड दूंगी तो प्रिंटर मेरा उसे एक्सेप्ट करेगा, वो एक प्रिंटर वो सब कंप्यूटर्स के प्रिंट आउट को निकालेगा। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क कैन बी शेयर्ड विथ मेनी पीपल। जो भी सॉफ्टवेयर है नेटवर्क पे वो कई लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। पीपल कैन रन प्रोग्राम विथ विच आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन देयर ओन कंप्यूटर। नेटवर्क्स अलाउ शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। सो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, दे कैन रन प्रोग्राम विच आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन देयर ओन कंप्यूटर। उनके कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम नहीं उसको भी वो यूज में ला सकते हैं। नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। सो नेटवर्क की वजह से एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बेच सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बेच सकते हैं। सो दीज आर द थ्री बेनिफिट्स दैट वी हैव लर्न। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम करता है कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स ऑन अ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। सो बहुत सारे बैकअप एक ही कंप्यूटर पे बार बार डालना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। व्हेन यू कीप बैकअप्स ऑन अ सेंट्रल लोकेशन, मींस एक ही लोकेशन पे आपने सारे बैकअप को सेव कर रखा, यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। सो उस एक ही जगह पे आप देखोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है वो उस एक ही जगह पे आप देखोगे। सो बाय दिस वी कैन प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द एडिशनल कॉस्ट ऑफ बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो अलग से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खरीदने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग शेयर्ड हियर। सो दिस इज हेल्पफुल इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट को भी ये बचाता है। नेक्स्ट इज रेडियोएंसी। अ नेटवर्क रिड्यूसेस द नीड ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हर डॉक्यूमेंट की बार बार हार्ड कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय शेयरिंग फाइल्स ओवर द नेटवर्क द नेटवर्क ऑफ द नीड ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी एलिमिनेटेड ऑफ और ग्रेटली रिड्यूस। सो हमने किसी को भी सॉफ्ट कॉपी अगर भेज दी तो फिर हमें हार्ड कॉपी उसकी निकालने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या होगा, रेडियोएंसी होगी, मीन्स ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना पेपर वेस्ट जो है हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा। नेक्स्ट इज शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स क्विकली। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू द वर्ल्ड। सो हम जो है किसी भी कहीं भी कोई भी पर्सन बैठा हम उसको तुरंतली डॉक्यूमेंट्स क्विकली शेयर कर सकते हैं। अपडेटेड डेटा। Networking always helps us to deliver updated data and information at all nodes connected to it online. So networking से हम क्या कर सकते हैं, हम जो किसी भी data को जल्दी से जल्दी update कर सकते हैं, वो अगर हमारे network में है तो उस data को हम वहां से update कर सकते हैं। Next comes the components of a network. क्या क्या components है network के, let's see. There are many devices which are used in computer networking. सो कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत सारे डिवाइसेस यूज होती हैं। लेट्स सी सम ऑफ देम। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज अ मॉडेम। मॉडेम इज अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस। हियर इज अ पिक्चर ऑफ मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। एम ओ मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डी ई एम मीन्स डी मॉड्यूलेटर। So it is the computer device that serves as a medium to exchange information between a computer and the internet through telephone lines. So इसमें क्या होता है, ये computer device है जो क्या करता है, information को exchange करने में help करता है through internet through telephone lines. It converts the digital signal of the computer into an analog form. सो कंप्यूटर का जो भी डिजिटल सिग्नल रहता है उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट दे कैन ट्रेवल ओवर अ टेलीफोन, ताकि वो टेलीफोन लाइन से ट्रेवल कर पाए टू देयर डेस्टिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सो कन्वर्ट करना, जो भी हमें चाहिए उसे कन्वर्ट करना ताकि वो टेलीफोन लाइन से क्रॉस हो सके, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। द रिसीविंग मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल बैक टू डिजिटल फॉर्म। सो जो रिसीविंग मॉडेम होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इस एनालॉग सिग्नल को
डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. फिर से मॉड्यूलेशन को डी कर देना मीन्स वापस से उसको करेक्ट फॉर्म में चेंज कर देना. नेक्स्ट कम्स द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट इज NIC. दिस इज आवर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. सो हियर द फुल फॉर्म ऑफ NIC इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ईथरनेट कार्ड और LAN कार्ड. सो इसे दो और नामों से जाना जाता है. एक है ईथरनेट कार्ड एंड नेक्स्ट इज LAN कार्ड. इज अ डिवाइस विच इज अटैच टू द कंप्यूटर टू एनेबल इट टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क. सो ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर में लगा रहती है जिसकी वजह से वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकती है. इट हैज अ रोम चिप दैट कंटेन्स अ यूनिक नंबर विच इज द हार्डवेयर एड्रेस और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस. सो इसके अंदर जो है एक जो है चिप लगी रहती है दैट इज अ रोम चिप. वो क्या करता है उसके अंदर एक यूनिक नंबर होता है विच इज द हार्डवेयर एड्रेस. वो चिप नंबर जो एक हार्डवेयर एड्रेस होता है और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर उसे मैक के नाम से भी जाना जाता है. इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. सो इस नंबर से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर वर्क कर रहा है. नेक्स्ट इज हब. सो हियर वी कैन सी देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स आर गिवन हियर. Various slots are there given. So when our network has more than two computers, we cannot directly connect all the computers together. So when a network has more than two computers, जब एक network में दो से ज़्यादा computer होते हैं, we cannot directly connect the computers together. हम सारे computers को एक साथ directly connect नहीं कर सकते. We need an interface through which the computer can be connected. So हमें एक interface एक मीडियम चाहिए जिससे हम सबको कनेक्ट कर सके. सो दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा कैन बी डन. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ हब. सो ये फंक्शन कौन करता है? हब करता है. अ हब सिंपली फॉरवर्ड्स द पैकेट्स टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट. ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग विच पैकेट्स आर डेस्टिनाइड फॉर इट एंड विच आर टू बी इग्नोर. सो हर ये अपना काम कर देता है सेंड करने का. बाकी कंप्यूटर हैज टू आइडेंटिफाई कौन सा उसे एक्सेप्ट करना है और कौन सा उसे एक्सेप्ट नहीं करना. नाउ इन फैक्ट बोर्ड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड पैकेट्स. सो इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर करते हैं उसे बंडल के फॉर्म में शेयर होते हैं और उन्हें हम पैकेट्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्विच. A switch is also used to connect computer into a network. So computer को network में connect करने के लिए हम switch भी use करते हैं. Hubs were the preferred medium in earlier times. So hub जो है पहले जो है use हुआ करते थे but now switches are being used because of their better efficiency. अब the switches आ गए हैं क्योंकि उसकी efficiency ज़्यादा अच्छी है hubs के मुकाबले. It sends the incoming data of the desired to the desired destination only. So वो जो भी incoming data होता है उसको desired उसके destination तक पहुंचा देता है. It records the addresses of all the computers connected to it. जो भी computers से connected हैं, इस switch से connected हैं, उन सबकी information को वो क्या करता है? Record कर लेता है. When a packet is received, the switch reads the information about the destination address to determine if the destination device is connected to it or not. So अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी ये स्विच जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है तो स्विच क्या काम करता है? ये जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको जो है डिटरमाइन करता है और देखता है कि जिस भी डिवाइस के लिए वो भेजा गया है वो कनेक्टेड है या नहीं है. Basically, each computer on a network is connected to a hub or switch via an Ethernet cable. So, Ethernet cable की मदद से ये दोनों चीजें जो है connect की जाती हैं. To establish a wireless network, we require the following component. So, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अब हम wires की दुनिया से अलग हो चुके हैं. Now we are using the wireless network. So, for using the wireless network, these are the following components that we are going to
3. So first picture is given here. This is our wireless network card. So here we can see this, these two are given, no wires attached to it. So wireless network card are used instead of normal network card, which are used in wired networks. In wired networks. ये जो कहाँ यूज किए जाते हैं, वायर्ड नेटवर्क में यूज किए जाते हैं. द इंटरनेट केबल इज नॉट रिक्वायर्ड एज रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा. सो यहाँ इंटरनेट केबल को नहीं यूज किया जाता है क्योंकि एज रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे रेडियो सिग्नल को यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा. नेक्स्ट इज राउटर. आजकल हम सबके घरों में राउटर मिल जाएगा आपको. राउटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ हब्स एंड स्विचेस. सो अब हब्स और स्विचेस की जगह राउटर्स यूज हो रहे हैं. They have a wireless antenna which increases the communication range of the radio signal. So, अब इनमें जो wireless, ये antenna है, जिसमें wires नहीं है. So, ये antenna क्या करता है? Radio signals को पकड़ता है. The router can also be used to join the wired network, thus making the network of a combination of wired and well as wireless network. So, router को हम use कर सकते हैं join करने के लिए. वायर्ड नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं. दस मेकिंग द नेटवर्क अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एज वेल एज वायरलेस नेटवर्क. सो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है इसमें. वायर्ड और नॉन वायर्ड नेटवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है व्हेन वी यूज द राउटर. नेक्स्ट, नाउअडेज मोस्ट लैपटॉप्स कंप्यूटर कम विद द इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड. सो अब जो लैपटॉप्स में आपको अलग से नेटवर्क कार्ड की जरूरत नहीं होती है, उसमें इनबिल्ट रहते हैं वायरलेस नेटवर्क कार्ड. नेटवर्क कार्ड्स पहले से इनबिल्ट रहते हैं, से बने हुए रहते हैं. ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क है, अभी हमने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए और क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं उसको करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स व्हिच आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड दीस डेज डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफिकल एरिया covered by the network. There are four types of computer network. चार तरीके की computer network हैं. First is LAN, that is local area network. By the name only we can understand, local means पास के area को आप ये cover करता है. In LAN two or more computers are peripheral devices are connected. So दो या उससे ज्यादा computers को connect किया जाता है within a small area, एक छोटी सी area. Such as a room, एक room में, एंड ऑफिस बिल्डिंग, अ लैब एक्सेट्रा. सो एक स्मॉल स्पेस के लिए हम लैन यूज करते हैं. लैन कंप्यूटर टर्मिनल्स आर फिजिकली कनेक्टेड विथ वायर. सो जो भी लैन में जो भी कंप्यूटर है वो सारे एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट इज मैन, दैट इज मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. सो मेट्रोपोलियन सिटीज में यूज होता है. अ मैन इज अ नेटवर्क विच कवर्स मोर एरिया देन अ लैन. सो लैन से ज्यादा ये एरिया कवर करता है. इट इज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी, पूरी सिटी में ये स्प्रेड करता है. एज इट कवर्स अ सिटी इट इज नोन एज मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. अभी मैंने बताया था मेट्रोपोलियन एरियाज के लिए है, मीन्स बड़ी एरियाज के लिए. ये केबल टेलीविजन ब्रांच ऑफ लोकल बैंक विद इन अ सिटी एक्सेट्रा. सो दीज आर कवर्ड अंडर दिस. And the some examples of MAN type network. So here we can see कि MAN is being used. एक area में वो MAN used हो रहा है. Next is WAN, that is wide area network. WAN is a global computer network that is spread across cities, countries and continents. So WAN जो है और भी बड़ा network है compared to MAN. So इसमें क्या क्या cover होते हैं? इसमें सिटीज आते हैं, कंट्रीज आ जाते हैं, इवन द कॉन्टिनेंट्स आल्सो कम इन दिस. इट इज फॉर्मड बाय कनेक्टिंग वेरियस लैन एंड मैन. बहुत सारे लैन को और मैन को कनेक्ट करके वैन बनाया जाता है, मींस उन सारे नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ के वैन बना दिया गया है. एंड द लास्ट वन इज पैन, विच मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, मीन्स अपना खुद का पर्सनल यहाँ पे बात होती है. A PAN is a computer network which is organized around a person. It is used to communicate between devices such as printer, phone, PD and laptop that is close proximity. हमारे एकदम पास में कोई चीज है उससे कनेक्ट करने के लिए हम यूज द PAN, means personal area network. Here is the
picture. The network is considered to be a large wide area network. The internet is internet को जो है WAN में consider करते हैं. Network architecture. What are network architecture? Let's see. Network architecture is an overall design of the computer network. Computer network को पूरा मिला के जो भी design बनता है that is called network architecture. The architecture of the network can be defined as the structure of the organization of the computers, hardware and software. On the basis of architecture, network can be classified into two types. So, on the architecture ke basis pe hum ise do parts mein divide karte hain. First is client-server network and second is peer-to-peer network. That is also called P2P. First, let's see what is client-server network. It is a network where several computers, computer clients or workstations are connected to the main computer called server. So, client-server network mein kya hota hai? Ek cheez hai, wo sab jo hai, aapas mein connected hai. It is a network where several computers called client. So, bahut sare computers hain, jinhe hum client ke naam se kehte hain. और वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर से वो कनेक्ट हो जाते हैं कॉल्ड द सर्वर. तो ये हमारा मेन कंप्यूटर है, इससे सारे के सारे कनेक्टेड हैं. अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट एंड कंट्रोल्स एक्सेस थ्रू द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज इज कॉल्ड सर्वर. सो एक कंप्यूटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देता है टू द क्लाइंट, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दे रहा है and controls the access of hardware. जो भी hardware उसके access को वो control करता है, software resources को control करता है या other resources को control करता है, उसे ही हम server कहते हैं. तो server क्या करता है? इन सबके hardware, software और other resources को ये control करता है. The computers which request services like data retrieval, storage, etc. from the server is called the client. So, वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वेस्ट करते हैं, डेटा रिट्रीवल के बारे में, स्टोरेज और बाकी चीजों के बारे में, फ्रॉम द सर्वर, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे क्लाइंट. नाउ सेकेंड वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, दैट इज P2P. दिस इज द नेटवर्क वेयर अ फ्यू कंप्यूटर्स ऑफ सिमिलर पावर एंड कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू. सो पीयर टू पीयर नेटवर्क वो है जहां पे एक जैसे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है. देयर इज नो एक्सक्लूसिव सर्वर और क्लाइंट इन दिस. इसमें कोई क्लाइंट नहीं है या कुछ और नहीं है. ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट. तो कंप्यूटर यहाँ पे खुद ही सर्वर है और खुद ही क्लाइंट है. सो दिस इज आवर पीयर टू पीयर नेटवर्क. नाउ लेट्स कम नेक्स्ट कम्स द ट्रांसमिशन media. What is transmission media? Let's see. Transmission media means the physical material that is used to transmit data. So data ko transmit karne ke liye kuch physical material hame chahiye. That is called transmission media between the computers. Transmission media can be classified into the following groups: wire transmission media or wireless transmission media. Wired transmission media. अब हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसमिशन मीडिया वो होता है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कंप्यूटर को ट्रांसफर करेंगे कुछ फिजिकल पार्ट्स है, जैसे कि हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वायर ट्रांसमिशन, मीन्स वायर्स का इसमें यूज हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड्स केबल्स एंड वायर्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन. सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पे वायर्स की जरूरत पड़ती है. The wire may be made up of copper or any other metal or glass fiber. So glass fiber is also used nowadays. It includes electrical and light signals to flow in this wire. So in wires se electrical signal jaate hain. These cables are very sensitive, bahut sensitive cables hote hain, to noise and degrades to signal, which is also called attenuation. So ye bahut sensitive hote hain, inhe bahut hi ध्यान से यूज करना पड़ता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क. सो नेटवर्क को सेट करने के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ केबल्स आते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे. फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल्स वर इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर
ग्राम बेल इन 1881. सो ये किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 1881 में बनाया था ट्विस्टेड पेयर केबल्स. इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम फॉर टेली कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने पता था कि टेलीफोन जो है किसने बनाया था, ग्राम बेल ने बनाया था. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये केबल्स बनाए थे. इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज मीडियम फॉर टेली कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर. सो कॉपर वायर से बनाया गया था दैट आर ट्विस्टेड इन टू पेयर्स, मतलब दो कॉपर वायर को लेकर आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है. ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर्स कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड इन टू पेयर्स. कंप्यूटर नेटवर्किंग केबल्स कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर ऑफ कॉपर केबलिंग दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन. सो कंप्यूटर नेटवर्किंग केबल जो है इसमें चार वायर यूज होती है, जो कॉपर की चार वायर यूज होती है, जो यूज किस काम आती है, फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन के काम आती है. ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब आप देख सकते हो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, शील्डेड ट्विस्टेड पेपर ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी. यूटीपी केबल इज अ मोस्ट कॉमनली यूज केबल इन कंप्यूटर नेटवर्क. सो पहले क्या होता था कि ये केबल्स देख रहे हैं, इनके ऊपर कवर नहीं था. सो जिसपे कवर है वो शील्डेड है और जिसपे कवर नहीं है वो अनशील्डेड है. सो आप देखो इसमें लिखा हुआ है कि अनशील्डेड पेपर ट्विस्टेड पेयर वॉज इज अ मोस्ट कॉमनली यूज केबल इन कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये केबल्स हैं, जिसमें शेल में ये नहीं लगे हुए हैं, आप कह सकते हो सेफ्टी नहीं लगे हैं. नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल. This is a coaxial cable. This is used nowadays. You can see in our the dish. This is there. So coaxial cable was invented by English engineer and mathematician Oliver Heaverside in 1880. This cable consists of copper and aluminium wire wrapped into an insulated layer of flexible material. So आप यहाँ देखोगे copper है. एल्यूमिनियम बोथ आर यूज हियर. वायर इनकी इसकी वायर बनती है. आप देखोगे कितने सारे परत है यहाँ पे, मतलब एक दिस इज अ प्लास्टिक, देन अदर दिस टाइप ऑफ फिल्म इज देयर एंड देन दिस इज यूज्ड एंड देन इट इज रैप्ड विद अ ब्लैक केबल. सो इट इज फ्लेक्सिबल मटेरियल. द इंसुलेटेड लेयर इज सराउंडेड बाय कंडक्टिव लेयर्स कॉल्ड शील्ड विच इज फाइनली कवर्ड विद अ थिन इंसुलेटिंग लेयर ऑन द आउटसाइड. सो इतने ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ ये केबल्स बनाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड कोएक्सियल केबल. नेक्स्ट कम्स द फाइबर ऑप्टिकल केबल, मींस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. यू कैन कॉल बोथ ऑफ दीज. दिस इज द पिक्चर. द ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स. Optical fiber cable has the ability to transport signals over much longer distance than those covered with coaxial or twisted pair. So, अब जो third type का आपका हमारा जो cable आ रहा है, that is fiber optical cable. इसमें जो है central glass core use होता है, means glass का use होता है जिसमें. और ये किस काम आता है? ये जो बाकी दो हमने पढ़े हैं coaxial और twisted pair, इनसे ज़्यादा workable है, इनसे ज़्यादा efficient है. और ये मच लॉन्गर डिस्टेंस तक जो है हमारे सिग्नल्स को सेंड कर सकता है. इट ऑल्सो हैज अ कैपेबिलिटी टू कैरी इंफॉर्मेशन एट वेरी हाई स्पीड. सो हाई स्पीड के लिए नाउ वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. दिस कैपेसिटी ब्रॉडेंस द कम्युनिकेशन पॉसिबल टू इंक्लूड सर्विसेज सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें आजकल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं, तो वो चीजें हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन. नेक्स्ट इज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. द ट्रांसमिशन इन सच अ मीडिया इज वायरलेस. अब इसमें क्या होता है, वायर का काम ही नहीं है, वायर को हम यूज ही नहीं करते. इट इज यूज टू प्रोवाइड वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. सो थोड़ी दूरी के लिए हम इसे यूज करते हैं. Using radio or infrared signal. Radio signal use करते हैं या फिर infrared signal use करते हैं. Instead of network cabling, cabling के जगह पे हम ये use करते हैं.
रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज द फर्स्ट वन इन दिस. रेडियो वेव ट्रांसमिट म्यूजिक कॉन्वर्सेशन पिक्चर एंड डेटा विजिबली थ्रू द एयर. सो एयर में ट्रांसमिट होता है, पहले तो हम केबल के थ्रू, केबल में सिग्नल आ रहा है, वो केबल उसे पहुंचा रहा है. बट इन दिस वायरलेस ट्रांसमिशन केबल तो है ही नहीं, तो क्या होता है, ये एयर के थ्रू उस सिग्नल को फैलाता है और दूसरे उसके राउटर तक पहुंचाता है. रेडियो वेव ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स सो दैट द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर डू नॉट हैव टू बी केयरफुली अलाइंड फिजिकली. सो इसमें जो है बेनिफिट ये है कि जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है दोनों को एक पास बैठने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर बैठेंगे तो भी वो ट्रांसमिशन हो सकता है. दे आर इजी टू जनरेट, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर भी ये आसानी से जा सकते हैं, इसमें जो है घुस सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई बिल्डिंग है तो उसमें वो नहीं जा सकता, ग्लास के अंदर नहीं जा सकता. सो सिग्नल कहीं भी जा सकते हैं. द टू कॉमन टेक्नोलॉजीज दैट यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स टू क्रिएट अ नेटवर्क आर ब्लूटूथ एंड वाईफाई. सो आजकल हम ब्लूटूथ यूज करते हैं जिससे हम कहीं भी दूर बैठ के भी, मतलब आसपास में बैठ के अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है और वाईफाई इनके मदद से शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी. इन दिस वी यूज द ब्लूटूथ फॉर ट्रांसमिटिंग आर वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू ट्रांसमिट. ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू टॉक एंड शेयर इंफॉर्मेशन लाइक वॉइस म्यूजिक एंड वीडियोज. सो वॉइस म्यूजिक एंड वीडियोज को हम इजिली ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड इन 1994 बाई इंजीनियर्स एट एरिक्सन स्वीडिश कंपनी. सो एरिक्सन ने इसे इन्वेंट किया था 1994 में. ये एक स्वीडिश कंपनी है. इट इज बिल्ट इन टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. सो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसमें ब्लूटूथ जो है इनबिल्ट आने लगा है. मोबाइल फोन एफएम रेडियो एंड टेलीविजन ऑल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो वेव्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन सच एज ऑडियो एंड वीडियो विदाउट यूजिंग वायर. सो ये जो मोबाइल फोन एफएम रेडियो या फिर टेलीविजन है ये रेडियो वेव्स को यूज करते हैं टू सेंड इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वायर, विदाउट वायर के. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूजेस रेडियो वेव्स. सो ब्लूटूथ भी रेडियो वेव्स को यूज करता है. द बिगर डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड डिवाइस लाइक एफ एम रेडियो एंड टीवी इज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस से जो है हम इसको कह सकते हैं, यही एक जो है इसके अंदर जो डिफरेंस है डिस्टेंस पे भी हम इसको कर सकते हैं. Radio and TVs are meant to broadcast information to many people over miles or kilometers. So, radio technology या जो TV technology हम बहुत दूर दूर तक के लोगों को भी हम information दे सकते हैं through this. Bluetooth technology sends information within its personal space which is called PAM. So, Bluetooth technology क्या करता है, ये जो है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को कवर करता है, बट रेडियो और टीवी जो है दूर के एरिया के नेटवर्क को भी कवर करते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू. द मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन रेंज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज 10 मीटर. सो ब्लूटूथ 10 मीटर तक ही वर्क करता है, विच मीन्स 33 फीट. प्रोडक्ट विद ब्लूटूथ मीन्स इट हैज अ पीस ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. सो अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें ब्लूटूथ है तो उसका मतलब उसका एक हार्डवेयर पीस है और उसका एक सॉफ्टवेयर भी है. टू कनेक्ट दैट प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स वायरलेसली यूजिंग द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उस प्रोडक्ट को इजिली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द वाईफाई. वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी एंड इट इज द नेम ऑफ द पॉपुलर. दिस इज द साइन ऑफ वाईफाई. इट इज द नेम ऑफ अ popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet and network connections. So through this we can use the network technology to connect to the internet. Wi-Fi network uses radio technologies to provide secure, reliable and fast wireless connectivity. So through Wi-Fi we can we can use a safe network and it can be reliable and also the fastest way to transmit our information.
नेक्स्ट कम्स द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पोर्टेबल कंप्यूटर्स टू प्रिंटर्स टू कनेक्ट होम एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स. सो इंफ्रारेड किस काम आता है? ये जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं उसको प्रिंटर से कनेक्ट करने के काम आता है, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को कनेक्ट करने के काम आता है, और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, सेलुलर टेलीफोन्स या फैक्स. अ कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग थ्रू इंफ्रारेड वे इज वेरी लिमिटेड. सो इसका जो कम्युनिकेशन रेंज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है. द वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस. अगर इसके सामने, इन वेव्स के सामने कोई वॉल आ जाए तो इस वॉल के क्रॉस के नहीं जा सकते. सो देयर शुड बी नो फिजिकल बैरियर बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. सो दो जो डिवाइसेस उनके बीच में कोई भी रुकावट बीच में नहीं होनी चाहिए, तभी ये इंफ्रारेड आपस में कनेक्ट करेंगे. अ टेलीविजन एंड अ रिमोट कंट्रोल आर कनेक्टेड थ्रू इंफ्रारेड वेव्स. सो इसका एक एग्जाम्पल है टीवी एंड रिमोट. सो रिमोट से अगर हम रिमोट हमारे टीवी के सामने है तो ही वो वर्क करेगा, अगर हमने बीच में कुछ लगा दिया तो रिमोट विल नॉट वर्क. सो इट वर्क्स ऑन द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. इन 1800 इंफ्रारेड वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल. नेक्स्ट इज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. फॉर दिस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन इज वाइडली यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कोएक्सियल केबल. सो कोएक्सियल केबल के अल्टरनेशन में हमने ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज किया था फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर की लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. द मेन एडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज दैट बिल्डिंग अ टावर इज चीपर देन लेइंग केबल. सो इनके अकॉर्डिंग इनका जो मेन एडवांटेज है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है इज दैट बिल्डिंग अ टावर इज चीपर. टावर को बिल्ड करना एक चीपर काम है than laying cables, cables को lay करने से. Microwaves can pass through the earth's atmosphere easily. Microwave transmission जो है earth के जो atmosphere है उससे भी easily cross कर सकता है, and can be used to transmit information between satellites and earth's base station. So earth का जो station है या जो satellites है उससे भी वो contact कर सकता है. What contacts? Microwave transmission contacts. Now next comes the network topo. Logies. The approach of connecting different computers in the network is known as topology. So what is topology? It is the approach of connecting different computers in a network. Alag alag tarike ke computers ko ek network mein connect karna is called as topology. Network topology is an arrangement of or layout in which various computers are connected to one another. So, एक लेआउट होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव मेन टाइप्स. सो नेटवर्क टोपोलॉजी को फाइव मेन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. लेट्स सी व्हाट आर दे. फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी. सो दिस इज अ बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन इज और बस कैरियर ऑफ ऑल द डेटा. So this single cable is used here. Communication travels in both the directions along the line. So इसी line से communication दोनों direction में चली जाती है. And can be received by any workstation और कोई भी workstation उसे receive कर सकता है. So this is a bus. It looks like a bus stop. So this is a bus topology. All the computer, printer and other peripheral devices that are being shared are connected to the bus. So जो भी devices हैं वो सब यहाँ पे आके कनेक्ट हो सकते हैं. दिस टोपोलॉजी इज नॉर्मली यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क. छोटे नेटवर्क्स के लिए ही हम ये बस टोपोलॉजी यूज करते हैं. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी? लेट्स रीड. फेलियर ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइसेस डू नॉट अफेक्ट अदर्स. सो अगर मान लो एक कंप्यूटर खराब गया है या वो रिसीव नहीं कर पा रहा सिग्नल को, सो बाकियों को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड इकोनॉमिकल एज इट कंज्यूम्स अ सिंगल कम्युनिकेशन केबल.
सो बहुत इजी होता है, बहुत इकोनॉमिकल है, मींस सस्ता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कम्युनिकेशन केबल की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज अ न्यू पीसी कैन बी इजीली कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विद जस्ट अ शॉर्ट केबल. सो यहाँ पे हम एक नया पीसी लगा सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से केबल की जरूरत पड़ेगी. सो नई चीजों को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम एडवांटेजेस डियर चिल्ड्रन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट. इसमें आप कहीं भी अगर फॉल्ट हो जाएगा तो आप इजीली उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते. एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द केबल द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन. और अगर किसी भी केबल इन केस ऑफ द प्रॉब्लम विद द केबल, अगर केबल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, मींस अदर कंप्यूटर्स विल नॉट वर्क. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. सो चिल्ड्रन नेक्स्ट कम्स द रिंग टोपोलॉजी. इन रिंग टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ क्लोज सर्किट. सो एक सर्किट है, उसके थ्रू ही सारे के सारे जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड हो जाते हैं. देर इज नो सेंट्रल डिवाइस टू लिंक द नेटवर्क इन द बस टॉपोलॉजी. सो यहाँ पे देर इज नो सेंट्रल डिवाइस, यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है टू लिंक द नेटवर्क एज इन बस टॉपोलॉजी. बस टॉपोलॉजी में करने के लिए हमें एक सेंट्रल लाइन, एक सिंपल केबल मिल रही थी बीच में जिससे सारे कनेक्टेड थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस पाथवे फॉर सिग्नल्स थ्रू ईच नोड एंड द कम्युनिकेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग. ईच सिस्टम कैन पास डेटा टू इट्स एडजेसेंट सिस्टम. सो हर सिस्टम अपने अपने डेटा को एक दूसरे में पास ऑन कर सकता है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस. इट इज वेरी सुटेबल टू यूज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स व्हिच गिव्स वेरी गुड स्पीड एंड एज अ ट्रांसमिशन मीडियम. सो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज किए जा सकते हैं. इट रिक्वायर्स लेस केबलिंग एंड इज लेस एक्सपेंसिव. इसमें लेस केबलिंग है, केबल कम यूज किए जाते हैं और एक्सपेंसिव भी ये कम है. एंड व्हाट इज इट डिसएडवांटेज. फेलियर इन एनी केबल और नोड कैन डिस्ट्रप्ट द एंटायर नेटवर्क. मीन्स एक में भी कोई रुकावट आ गई, खराब हो गया तो कोई भी नेटवर्क नहीं चलेगा, कोई भी कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा. सो दिस इज द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट कम्स द स्टार टोपोलॉजी. वी कैन सी दिस इज द लाइक अ स्टार. इन बिटवीन देयर इज अ हब. हब इज यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी. और कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय केबल्स इन द सेंट्रल डिवाइस हब और स्विच. तो सारे कंप्यूटर को हब से कनेक्ट किया गया है. ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर पासेस थ्रू द हब और स्विच बिफोर इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन. सो पहले जो है जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है उसके बाद वो दूसरे कंप्यूटर्स में जाती है. दिस टोपोलॉजी इज इजी टू इंस्टॉल. दिस कॉन्फिगरेशन इज गुड फॉर बिजनेसेस that have large amount of rapidly changing data like man, airline, reservation, offices, etc. So इन जगहों पे जो यहाँ पे mention है, इन जगहों पे ये mainly use किया जा सकता है and it is very beneficial for them. Now what are the advantages? Failure of one computer does not affect the whole network. एक computer अगर fail हो रहा है तो दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. Fault can easily be detected at the central hub. एंड द प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाई डिटैचिंग द फॉल्टी कंप्यूटर. सो फॉल्ट को हम इजिली इसमें पहचान सकते हैं अगर किसी में भी फॉल्ट होता है, और उसको हम इजिली क्लियर कर सकते हैं बाई डिटैचिंग, मीन्स उस कंप्यूटर को वहां से डिटैच करके उस हब से निकाल. नेक्स्ट वॉट आर द डिसएडवांटेजेस. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई ड्यू टू लॉन्ग केबल केबल लेंथ. ज्यादा केबल लग रही है इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा. एंड फेलियर ऑफ द हब और स्विच कैन स्टॉप द एंटायर नेटवर्क. और अगर हब खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो सकता है, बंद हो सकता है. नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. दिस यू कैन सी एवरीथिंग इज क्रॉस कनेक्टेड. सो द मैश टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड बाय टू मेथड्स इन मैश टोपोलॉजी, नेमली फुल मैश टोपोलॉजी और पार्शियल मैश टोपोलॉजी. सो कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए दो तरीके, एक आप देख सकते हो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक इधर है. तो दो तरीके हम यूज कर सकते हैं जिसमें हम फुल मैश टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर पार्शियल मैश टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं.
फुल मैश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट. तो फुल मैश अगर हम कराते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. नॉर्मली पार्शियल मैश टोपोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड. ज्यादातर हम पार्शियल मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं. इन इट अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ फ्यू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को अलग से जो नेटवर्क होते हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाता है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली. तो जो है डाटा डेटा जो भी है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस को से एक साथ, एक के बाद एक. इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल, अगर एक भी कंपोनेंट फेल होता है, देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट. तो एक दूसरा अल्टरनेटिव बन जाता है. सो डाटा ट्रांसफर डज नॉट इफेक्ट. सो डाटा ट्रांसफर से इस पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिस्ट्रप्टिंग अदर नोड्स. अगर हम इस टोपोलॉजी को मॉडिफाई करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो बिना किसी और को इफेक्ट किए हम इसे आराम से कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, देयर आर हाई चांस ऑफ रेडियंसी इन मेनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शंस. सो यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं रेडियंसी के, जो अलग अलग नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज वे टू हाई एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज. सो बाकी टोपोलॉजीज के मुकाबले इसका जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट कम्स द ट्री टोपोलॉजी. दिस लुक्स लाइक अ ट्री, ट्री है और उसके ब्रांचेस बना दिए गए हैं. So let's see what's in this. Tree topology network combines the characteristics of bus and star topology. So bus topology और star topology को यहाँ पे मिला के tree topology बनाया गया है. Group of stars topology network are formed which are connected to bus backbone cable. Now what are the advantages? It allows for easy expansion of an existing network. एग्जिस्टिंग नेटवर्क में इजिली हम अलाउ कर सकते हैं, किसी भी चीज को एड ऑन कर सकते हैं. स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ केबल यूज. सो नेटवर्क की क्या स्केलेबिलिटी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं जिस तरीके की केबल वहां पे यूज की जा रही है. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज, इट इज डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर. सो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको कन्फिगर करना या फिर वायर करना. And if the backbone line breaks, the entire network can be disturbed. So, अगर ये जो बैकबोन केबल है ये खराब हो जाए तो सारे नेटवर्क एक साथ ही खराब हो जाएंगे. Now, next comes the network security. While working on an network, a computer can be accessed by many users. So, network पे काम कर रहे हैं और कई सारे users उसको use कर सकते हैं एक साथ. Then, it is important to protect the network from unauthorized access and prevent the loss and misuse of data or information. So, जो भी data या information हमारे पास है वो कोई unauthorized person ना use कर पाए, उसका कोई misuse ना करे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा important है. It is important to ensure that only authorized person access and modify the data, and protecting data and resources from unauthorized access is known as network security. So, ऐसे लोगों से अपने data को बचाना is called network security. There are two general levels of network security. दो लेवल है network security के, they are login security and rights security. So first is login security. It is important to give an unique login name and password to every person on the network. So जो भी network use कर रहे हैं उसमें उस person की एक अपनी login ID होनी चाहिए और एक password होना चाहिए. So this is login security. And the second was rights security, based upon the username. You can give rights like read-only access or read-write access. So, आपने जो भी लॉगिन बनाया उसके बेसिस पे आप राइट्स दे सकते हो कि कोई आपको आपके उस नेटवर्क को रीड ओनली कर सकता है या फिर रीड राइट, रीड भी कर सकता है उसको, एडिट भी कर सकता है, वो आप दोगे. A combination of rights can also be granted to the same user for network security. So एक कॉम्बिनेशन दे दिया जा सकता है राइट्स का उसी सेम यूजर को फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एक अलग से उसे जो है कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है. सो लेट्स चिल्ड्रन कम टू द रिकॉल टाइम. ऑल व्हाट वी हैव लर्न हियर,
दैट इज इन आवर रिकॉल टाइम. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कंपोज्ड टू ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर अ पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डिवाइस विच इज अटैच टू कंप्यूटर टू एनेबल द कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क. A hub simply forwards packets to all the other computers connected to it. Switches send incoming data to the desired destinations only. Depending on the geographical area connected by a network, there are four types of computer networks: LAN, WAN, MAN, and PAN. Client-server network is a network where several computers can call clients and workstations are connected to the main part called server. Twisted pairs cables were invented by Alexander Graham Bell in 1881. Coaxial cable was invented by English engineer and mathematician Oliver Heaviside on 1880. Bluetooth is a wireless technology that lets you talk and share information like voice, music and videos. Network topology is an arrangement of network in which various computers are connected to one another. On the basis of network topology, network can be classified into five main types: bus, ring, star, mesh, and tree topology. Network security means protecting data and resources from access of unauthorized persons. So let's quickly come to the book exercise, dear children. A network in which two or more computers are connected within a small area such as a room is called WAN, MAN, LAN, or none of these. So LAN is the correct answer here. A network which is organized around a person is known as. Ek person ke aas paas jo network banate hai, usse kya kehte hain? LAN, WAN, MAN, or PAN. So here PAN is the correct answer. Now, a computer which provides services to the clients and controls access to hardware. वो computer जो provide करता है services clients को and control करता है hardware and software and other resources is known as. So children, this you have to do on your own. I'm going to read the fourth one. In which year was twisted pair cables invented? This you have to do by yourself. And coaxial cables were invented in dash. So this also you have to do on your own. So now let's come to the fill in the blanks. In dash topology, a single cable known as the backbone or bus carrier carries all the data. So here we are going to write bus topology, and rest questions you have to do on your own, children. Now, true false. In bus topology, our computers are connected by cables to the central device called hub or switch. This is false. Rest questions are your homework. Now, define a computer network. What is computer network? Give any two advantages of computer network. What is a modem? Write short notes on Bluetooth, wireless technology and Wi-Fi, and explain bus and star topologies. So children, you have to do all these questions on your own. And you have to read the book again. Find out the answers given. Whatever questions are asked, you have to find the answers. You will get everything in your book. So find it from here, there. And with this, we have come to the end of our chapter. And I hope that you understood the chapter very well. I want you to read it again and find the answers that are given you as a homework. And I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay late.